आज बहुत ही खुशी के साथ बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे साथ हैं कविता कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम कविता जी थैंक यू सो मच प्लेजर आपका जो स्टार्ट हुआ एक तरह से किसी यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ड्रीम स्टार्ट था क्योंकि टैगोर का गाना हेमंदा का कॉम्पोजिशन लता जी का साथ जी. कुछ बताएं हमारे को मैं मेरी मतलब मैं पैदा दिल्ली में हुई थी मेरी परवरिश भी दिल्ली में हुई लेकिन ऐसा था कि आ, मेरे आ, मेरे पेरेंट्स कृष्ण मूर्ति थे और हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे बंगाली जी तो मैं पैदा होने से पहले बोथ द फैमिली गॉट टुगेदर एक ही घर में जी। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि मैं दो माँ और दो दो फादर्स के साथ मेरी अपब्रिंगिंग हुई और मेरी बंगाली जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मेरे को बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट था टोटल okay. तो इंस्पिरेशन मुझे म्यूज़िक में लाना मेरी बंगाली आंट थी जी जिन्होंने रिबेल करके मुझे दिल्ली से निकाल कर बॉम्बे लेके आई कॉलेज में भर्ती करवाया बोले मुझे आई डोंट केयर इसको प्लेबैक सिंगर बनना है इसका मैं देख रही हूँ कि ये प्लेबैक सिंगर बनेगी एक दिन स, कॉलेज ऐसा हुआ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हमने हेमंत कुमार दा को इन्वाइट किया था uh, कॉलेज डे फंक्शन में तो कॉलेज डे फंक्शन में मैंने गाना गाया फिर आएगी ये नजर लौट के फिर आएगी hmm. तो ऐसा हुआ कि उसी फंक्शन के बाद हेमंता मिले और बोले कि तुम मेरे साथ स्टेज में गाओगी क्या जी सो आई वाज फ्लॉरड आई सेड माय गॉड ऑफ कोर्स व्हाट एन ऑनर क्योंकि बिल्कुल उनके साथ गाना स्टेज में तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ जी आ, गाते गाते ऐसा होता था कि मैं जहाँ पे भी स्टेज पे पहुंचती थी लोग मुझे तितली उड़ी गाने के लिए कहते थे क्योंकि, उड़ी उड़ के उसका रीजन ये है कि कॉल मेरा नाम शारदा था जी कविता था ही नहीं शारदा था जी। तो मैं हर जगह एक्सप्लेन करूँ कि लेडीज एंड जेंटलमैन मैं वो शारदा नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे वो शंकर जैक्शन के लिए गाती थी मेरा नाम मैं दूसरी नई सिंगर हूँ एंडज एंड आई एम नॉट द सेम शारदा ये कुछ दिन चलने के बाद हेमंदा सर इन एस टिपिकल यू नो बंगली वे की सर नाना ना नाम बोदले फैलो नाम बोलें फैलो मतलब नाम बदल दो तुम अपना ये चलेगा नहीं बट कविता नाम मेरे लिए प्रोफेशनली हैज़ बीन अ वेरी गुड मैम जी वहीं से मेरी प्रोफेशन शुरू हुई हेमंदा के साथ गाना अचानक उनका फ़ोन करना कि कल सुबह राजकमल स्टूडियो पहुँच जाना दस बजे पहुँच गई तेगोर का दो लाइन सीखना हुआ हारमोनियम के साथ वो बैठे हुए थे बैठे रहे वेट कर रहे म्यूजिशन उस दम तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी बिल्कुल तो सारे म्यूजिशन बैठे हुए हैं रिकॉर्डर्स बैठे हुए सडनली मैं ऐसे उनके तरफ देखी किसी के लिए वेट कर रही हूँ सिंह हाँ तो दक, उसी टाइम दरवाज़ा खुला और लता जी आ गई अंदर ओ माय गॉड माय हार्ट आई थिंक आई लॉस्ट माय वॉइस

और मुझे याद है कि वो रिहर्सल के बाद मना हेमंत दावा से पूछे क्या हुआ तुम गाई नहीं अपनी लाइंस और लता जी ऐसे चश्मा यूं करके मुझे देखकर मुस्कुराई उनको पता चल गया था मेरे साथ क्या हो रहा है जी जी तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम फिजिकली आई मेट हर और सोच नहीं सकते कि मेरी जिंदगी का सबसे पहला गाना एक ब्लेसिंग्स के तहत लता जी के साथ ही होगा बिल्कुल सुखी भावना का हारे চাতুনা কাহারে বলে তোমরা জীবলুদি বসু রজনী ভালোবাসা ভালবাসা সুখী ভালোবাসা কারে ক্যা বাধা তো